नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टैलेंट पहचान पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपनी जियो सिम में कॉलर ट्यून सेट कर सकते हैं। और एक बार नहीं दोस्तों, आप जितनी बार चाहें ना उतनी बार आप अपनी कॉलर ट्यून को बदल सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। जियो सावन पर आपको जब भी आप अपना फर्स्ट रिचार्ज करवाते हैं तो आपको वहाँ पर देखने को मिलता है कि जब आप एक बार कॉलर ट्यून सेट कर सकते हैं एक महीने में। लेकिन मैं आपके लिए एक ऐसा नया एप्लीकेशन लेकर आया हूँ जिसकी मदद से आप जितनी चाहें ना उतनी कॉलर ट्यून को चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं, मैं दिन में 100 बार अपने जो कॉलर ट्यून है उसे बदलना चाहता हूँ या 5 बार अपनी कॉलर ट्यून को चेंज करना चाहता हूँ। क्या होता है कि जब आप कभी जियो सावन पर एक बार कॉलर ट्यून लगा लेते हैं तो फिर आपसे वहाँ पर पैसे मांगे जाते हैं कि आप सिर्फ एक बार ही एक महीने में कॉलर ट्यून लगा सकते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर पैसे देने होंगे। लेकिन मैं आपको एक अदर एप्लीकेशन ऐसा बताऊँगा जिससे आप जितनी चाहे उतनी कॉलर ट्यून आप अपने मोबाइल में लगा सकते हैं। अगर आपके पास जियो की सिम है और आप चाहते हैं कि मैं अपनी कॉलर ट्यून को बार बार चेंज करना चाहता हूँ, 2 दिन में, 3 दिन में या 4 दिन में आप अपनी कॉलर ट्यून को जितनी बार चाहे उतनी बार चेंज कर सकते हैं, तो यह एप्लीकेशन अभी तक किसी ने नहीं बताया है। और इस एप्लीकेशन की मदद से ही आप अपनी कॉलर ट्यून को बार बार चेंज कर पाएंगे। तो वह तरीका कौन सा है 2022 में जिससे कि आप अपनी कॉलर ट्यून को बार बार चेंज कर पाएंगे, तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आज ही आप हमारे यूट्यूब चैनल टैलेंट पहचान को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियो हमारे चैनल पर सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर आप भी जियो सावन पर यहाँ पर कोई कॉलर ट्यून लगाते हैं, कॉलर ट्यून लगाने के बाद आप यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको जियो ट्यून एंड जियो रिंगटोन यहाँ पर सेट करने का ऑप्शन तो मिलता है। और आप यहाँ पर सेट जियो ट्यून सेट आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके यहाँ पर रिंगटोन गारंटेड, लेकिन यहाँ पर आपको इशू ट्राई अगेंस्ट होन, यानी कि यह बताता है कि जो आपकी कॉलर ट्यून है वो अगले आने वाले समय में आपके नंबर पर सेव कर दी जाएगी, यानी कि सेट कर दी जाएगी। लेकिन आपको तो अभी अपनी कॉलर ट्यून लगानी है, तो ऐसे में आप अपनी कॉलर ट्यून कैसे लगाएंगे? तो गाइज आपको करना कुछ भी नहीं है, इस एप्लीकेशन को आपको यहाँ से क्या करना है, गाइज यहाँ से आपको इस जियो सावन ऐप को यहाँ से अनइंस्टॉल कर देना है क्योंकि यह एप्लीकेशन किसी भी काम का नहीं है। अब आपको मैं एक नया एप्लीकेशन बताता हूँ, यहाँ पर आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा दोस्तों। आप यहाँ पर जैसे ही सर्च करेंगे आपको सर्च करना है माई जियो, माई जियो नाम का एक एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, मैंने पहले से इंस्टॉल कर लिया था तो मैं इसे अब डायरेक्ट ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको दोस्तों ऊपर से यहाँ पर फ्री म्यूज़िक दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप फ्री म्यूजिक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे ही नीचे लेफ्ट साइड में जियो ट्यून्स दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर आपकी जो योर करंट जियो ट्यून है वो दिखाई देगी, आपने कौन सी कॉलर ट्यून लगा रखी है। अगर आप इसे यहाँ से डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो ये डीएक्टिवेट भी हो जाएगी। ठीक है, यह आपकी कॉलर ट्यून डीएक्टिवेट हो चुकी है। अब आप यहाँ से कोई नई कॉलर ट्यून लगाना चाहते हैं तो नई कॉलर ट्यून कैसे लगाएंगे, जैसी चाहे आप वैसी कॉलर ट्यून यहाँ से लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको डन करना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको वो वाली कॉलर ट्यून बताई थी, अब मैं यहाँ से आपको दूसरी वाली लगा के बताता हूँ, जैसे कि ये वाली कॉलर ट्यून क्या नहीं लगी, इस पर मैंने क्लिक किया और ये भी यहाँ पर हमारी जो सेट जियो ट्यून है वो सेट हो चुकी है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी कॉलर ट्यून को बार बार चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आज ही आप हमारे यूट्यूब चैनल टैलेंट पहचान को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको हमारे चैनल पर ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियोज़ मिलती रहेगी।